गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के सदस्यों ने दो घायल गौवंशों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ किया है। पहले केस में गौवंश का सिंग बढ़कर अंदर घुस गया था, जिसे काटकर सुरक्षित निकाला गया। वहीं दूसरे केस में भी सफलतापूर्वक इलाज कर गौवंश को स्वस्थ किया गया। गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के दीपक यादव को रिसाली क्षेत्र में दो गौवंशों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गौवंश का उपचार आरंभ किया। पहले केस में गौवंश का सिंग बढ़ जाने से उसकी आंख में घुसने का खतरा बना हुआ था, जिसे काटकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं दूसरे केस में गौवंश का सिंग टूटकर झूल गया था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था। इसे निकालकर गौवंश का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। उपचार की जानकारी समिति सदस्य दीपक यादव और एक अन्य ने दी। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं दीपक यादव, बजरंग दल भिलाई। मिला रिसाली में गौ माता का सिंह बहुत बढ़ गया था, अंदर घुस गया है। और दूसरा विषय मिला था कि गौ माता का सिंह उखड़ गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। हमारी समिति के सभी सदस्य उपस्थित होकर गौ माता का सिंह जो बढ़ गया था उसको काट के अलग किए, तथा जिस गौ माता का सिंह बढ़ के ज़्यादा ब्लीडिंग होता उसे जड़ से अलग किए, तथा सुई दवाई किया गया। गौ माता की स्थिति बहुत सुधार है और निरंतर देखा जाएगा। जब तक भाव सुख ना जाए तब तक गौ माता का उपचार हमारी समिति करते रहेगी। जय श्री राम, जय गौ माता। जी सर, मैं कामेश्वर पांडे, गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के उपाध्यक्ष, आप सभी को भी दशमी का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एवं हमारे एक आवश्यक सूचना मिला था कि एक गौ माता का जो सिंह है वह टूट के और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, उससे ब्लड भी आ रहा था। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं दीपक यादव जी श्रीमान, उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा हमारे समिति के कुछ कार्यकर्ता बंधुओं के साथ वहां पर जाके गौ माता का पूर्णतः इलाज किया गया और अभी गौ माता बहुत ही सुरक्षित और अच्छे से हैं। ये सभी को धन्यवाद। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी समिति सदस्यों द्वारा लोगों की सूचना पर कई स्थानों में जाकर गौवंश का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। समिति का गठन ही बीमार अथवा घायल गौवंश के उपचार करने के उद्देश्य को लेकर ही किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।